आप देख रहे हैं स्टार्ट, आपको ऐसा जो ये डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, अब हम इसे कंट्रोल करना सीखेंगे। जैसे ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम इसे अनलॉक करेंगे। ये इसको अनलॉक करने के लिए हमें इसे 5 सेकंड दबाए रखेंगे। जैसे ही ये अनलॉक होगा, अब ये स्विच ऑन ऑफ का काम करेगा। अभी ये यूनिट ऑन है क्योंकि यहाँ पे ये सिंबल ऑन दिख रहा है। अगर आप इसे ऑन कर ऑफ करना चाहते हैं तो 1 टाइम पुश करेंगे, ये ऑफ हो जाएगी। बट अभी मैं इसे ऑफ नहीं करूंगा, तो अगर फिर से ऑन करनी है ऑफ से, तो आप इसे 1 टाइम पुश करेंगे, ये यहाँ सिंबल आ जाएगा। इसका मतलब यूनिट ऑन हो गई है। ये 60 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉक भी लग जाएगा। तो इसके इस सिंबल से आप 2 काम कर सकते हैं स्विच से, एक तो अनलॉक कर सकते हैं, एक ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये सिंबल जो है ये किसी काम नहीं आएगा, ये शोइंग करता है कि आपका हीटिंग इस फंक्शन, इस स्विच का कोई फंक्शन नहीं है। आप इस दोनों से जिस भी मोड में ये यूनिट काम कर रहा है वहां से सेट टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। आप देखें और आउट टेम्परेचर की जगह एकदम सेट ST आ गया, सेट यानी कि सेट टेम्परेचर। जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे 2-3 सेकंड के बाद फिर से आउट लिखा जाएगा। अब हम फिर से सेटिंग चेंज करते हैं, जैसे ही आप इसे पुश करेंगे जिस मोड में वो होगा वहां का सेट टेम्परेचर उठा लेगा, आप इसको सेट कर सकते हैं। बट बेस्ट जो है इको मोड में आप 55 रखें तो बेस्ट है। अभी ये इको मोड में चल रहा है, बताऊंगा कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो। अब फिर से आउट आ गया, यहां से आप क्लॉक सेट कर सकते हो। जब एक बार पुश करोगे तो घंटे पे क्लिक होने लगेगा, घंटे यहां से आप बढ़ा और घटा सकते हो। जैसे ही दूसरी बार करोगे आप मिनट, आपकी मिनट क्लिक होने लगेंगी, मिनट को आप अप एंड डाउन से इंक्रीज और डिक्रीज बढ़ा और घटा सकते हो। और जैसे ही आप छोड़ोगे उसमें टाइम सेट हो जाएगा आपको। अब हम आ जाते हैं मोड स्विच पे। इस पे हमने 4 मोड दिए हुए हैं। 4 मोड में जो फर्स्ट मोड है इको मोड, जो अभी ये रन कर रहा है, जब भी ये सिंबल होगा पंप वाला, ये जो सर्कुलेशन पंप को शो करता है, इसका मतलब है यूनिट हीट पंप चल रहा है। अभी हम यहाँ से देखेंगे कि ये कौन सा मोड है। जैसे ही आप इस स्विच को दबाएंगे, सबसे पहले यूनिट को फिर से अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के लिए इसको 5 सेकंड दबाया, ये अनलॉक हो गया। जैसे ही आप इस सिंबल को दबाएंगे ये शो करेगा कि ये किस मोड में है, और जब उस मोड में शो करते हुए आप फिर से इसे दबाएंगे तो मोड चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे अभी दबाया तो ये इको मोड है, आप छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर से टाइम डिस्प्ले होने लग जाएगा, 5 सेकंड बाद टाइम डिस्प्ले। बट अगर आप इसे दबाते हैं, इको मोड आ गया, और फिर से दबाते हैं तो अब ये चेंज हो जाएगा, ये हाइब्रिड मोड। आप देखें हीटिंग एलिमेंट स्टार्ट हो गया, ये हीटिंग एलिमेंट है, यानी कि हाइब्रिड मोड में हीट पंप भी चल रहा है और हीटिंग एलिमेंट भी। इसमें आप टेम्परेचर 75 तक सेट कर सकते हैं, बट बेस्ट है 68, डिफॉल्ट 68 रहेगा, फिर भी आप 75 भी सेट कर सकते हैं। 60 तक दोनों सिस्टम चलेंगे, हीट पंप प्लस हीटिंग एलिमेंट। 60-75 ओनली हीटिंग एलिमेंट ही चलेगा। अब हमारा हाइब्रिड मोड है, नेक्स्ट है ऑटो मोड। ऑटो मोड में खाली हीट पंप चलेगा, या डिफॉल्ट सेटिंग लेगा, तो इसमें आपको टेम्परेचर चेंज करने की जरूरत है भी नहीं और ये करेगा भी नहीं। तो इसलिए आपको अगर ऑटो मोड में चलाना है तो ऑटो मोड जो है वो एम्बियंट के अकॉर्डिंग अपने आप सेट टेम्परेचर उठाता है, तो इसमें आपको टेम्परेचर सेट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड जो है, नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक मोड। इलेक्ट्रिक मोड में आप देख रहे हैं ELE लिखा आएगा, और ये आपका हीटिंग एलिमेंट चल पड़ा है। थोड़ी देर बाद टाइम लेके, जो 2-3 मिनट के बीच में, ये सिंबल चला जाएगा। इसका मतलब है पंप बंद हो गया है, खाली हीटिंग एलिमेंट चल रहा है। अब ये चीज हो जाएगी कि ये इलेक्ट्रिक मोड पे काम कर रहा है। तो ये इसके बेसिक सिंबल थे, बेसिक वर्किंग था। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अगर चेक करते हुए हमें ध्यान देना है कि हमें इन टेम्परेचर पे फोकस करना है, जो हम सेट करेंगे टेम्परेचर वही हमारा इनसाइड टैंक टेम्परेचर जो शो करेगा वो ये करेगा, ये हमारा सर्कुलेशन वाला टेम्परेचर को शो करेगा। तो देखिए आप, ये इलेक्ट्रिक मोड में ये सिंबल चला गया, यानी कि अब ये इलेक्ट्रिक खाली हीटिंग एलिमेंट रन कर रहा है। आप देखिए यहां से इलेक्ट्रिक मोड, तो इस तरह ये इको मोड, ये हाइब्रिड मोड, ये ऑटो मोड,
ये इलेक्ट्रिक मोड। इसमें चार मोड हैं, जब भी आप मोड डिस्प्ले होते ही अगर चेंज करना चाहें तो उसे दबाइए, अदरवाइज यहाँ पे 5 सेकंड के अंदर क्लॉक आ जाएगी, और अगर आप इसे 1 टाइम पुश करेंगे तो सिर्फ ये दिखाएगा कि ये किस मोड में चल रहा है। ओके।